इस बार वहाँ विशेष विषय पर जो आज स्पेशल कार्यक्रम बैठक कार्यक्रम रखा गया है, जिसके हमारे माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी, माननीय इस संस्था की जितने भी पदाधिकारी, उनका और जाने जनप्रतिनिधि का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये प्रोग्राम आज से नहीं, बहुत दिनों से चला रहा है और हम लोग भी बचपन से देखते आए टीवी पे, रेडियो पे, हकीकत में भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे का शादी होते हुए देखा और लोग जागरूक नहीं थे, लोगों की शादी करा दी जाती थी। और कहा एक हम बहुत पहले हमने देखा था, एक बैनर लिखा था, बैनर पे लिखा था कि बच्ची को बच्चा होना जरूर है, तो बाल विवाह रोकने का यही मतलब है कि बच्ची को बच्चा ना हो। वो बच्ची जो है वो महिला शादी के बाद तो महिला हो गई, लेकिन हम तो उसको बच्ची ही समझते हैं, लेकिन वो महिला की जो स्थिति होती है वो शायद लड़की स्थिति होती है, उसकी वो बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पाती है, वो बच्ची मैच्योर नहीं हो पाती है, अपने सारी की जानकारी उसको नहीं से नहीं हो पाती है और वो बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पाती है। एक बच्चे, दो बच्चे, तीन बच्चे कम अकल के कारण बच्चे, लड़के भी कम अकल के होते हैं, बच्चियाँ भी कम अकल की होती है, तो परिवार को बढ़ जाता है, सेहत दोनों का खराब हो जाता है और उसकी स्थिति समझ लीजिए कि मरने की स्थिति हो जाती है और मृत्यु दर बाल विवाह के कारण बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मृत्यु दर बाल, हमको लगता है कि 30-40% मृत्यु दर बाल विवाह, कम उम्र में बच्चे की शादी होती है, मृत्यु दर बढ़ती है, कुपोषण भी होता है। तो ये जो संस्था चल रहा है, ये आज मैडम हमारे आए, नाम उनका भूल रहे हैं, बड़ी कड़ी धूप के वो हमारे मुझे जाके आई और बोली मुखिया जी से मिला जाए, तो हम से आगे मिली, इतना धूप था कि हमको भी अफसोस लगा, हम कहा कि आज आप छोड़ दीजिए, कल से कीजिए, आज बहुत धूप है, लेकिन मैडम का बहुत अच्छा बात लगा कि नहीं काम तो करना है, नाम भूल नहीं था पीछे बच्चे की हमारी पंचायत में आई थी और ये चिड़चिड़ाती धूप में पंचायत का कई बात कर ली और करने के बाद फिर अपने सुचारू रूप से ये काम करती रही और जहाँ जो नक्शा बताना था वो भी करी, तो मुझे अच्छा लगा और हम सारे जनप्रतिनिधि की दायित्व भी बनती है कि इनका सहयोग करें। जिस तरीके से हमको स्वच्छता अभियान चलाया, आज सारे प्रखंड में स्वच्छता अभियान चल रहा है और हर बात में हम लोग स्वच्छता अभियान, जैसे हम अपने लोगों शिक्षा कमेटी का देते हैं, उस तरीके से हमको लगता है कि हम सारे जनप्रतिनिधि को एक लोगो बना देना चाहिए कि सुबह में जनता दरबार हम लोग लगाते हैं दरवाजे पर, एक दो बार बाल विवाह का चर्चा जरूर करते रहना चाहिए, आम सभा करें तो एक दो बार बाल विवाह का जरूर चर्चा कर लेना चाहिए, शादी विवाह के मामले में बैठे तो एक बार बाल विवाह का चर्चा जरूर कर देना चाहिए कि चर्चा नहीं दम है ना, जब तक कोई चीज का चर्चा नहीं होगा, जैसे आप लोग सुने होंगे चर्चा, कोई भी चर्चा कभी कोई काम आगे होगा, चर्चा होते होते लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं, सोचने में मजबूर होते काम करने में मजबूर हो जाते हैं, काम करने में मजबूर होंगे तो हमारा काम, हमारे ये जो पदाधिकारी लोग इस काम को अभियान को छेड़ी है, था तो बहुत ही लेकिन अब ज्यादा जरूरत होगा, लोगों में जागरूकता ज्यादा आई है और ये बहुत अच्छा अभियान है, मैं सारे जनप्रतिनिधि से भी कहता हूँ और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से भी कहूँगा कि अपने भी जो कर्मचारी हैं उन लोगों को भी बताया जाए कि जहाँ जो भी काम करें तो बाल विवाह का चर्चा जरूर कर दें, कोई किसी का कोई मामला हो कहीं भी हो भी चर्चा करें, चर्चा करते रहेंगे तो ये कार्यक्रम, ये निर्माता जो हम लोग आज है ये आगे बढ़ता रहेगा और बाल विवाह पर रोकथाम बहुत हद तक आएगी। अभी भी बहुत प्रतिशत अपने यहाँ बहुत ज्यादा, तो हमको लगता है कि बहुत ज्यादा हम आंकड़ा देखा था 30% कई बाल विवाह अभी भी अपने यहाँ हो रहा है और भी बाहर में तो बहुत ज्यादा है, इस पर रोकथाम करने के लिए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सारे जनप्रतिनिधियों को जागरूक पड़ेगा, हम लोग ये नहीं सोच रहा हूँ इसमें मेरा क्या फायदा, मेरे इसमें मेरा एक बहुत बड़ा फायदा है कि मेरे समाज में जो बच्चे की शादी हो रही है, बच्चे की शादी हो रही है वो दुनिया को नहीं समझ पा रही, दुनियादारी क्या है, अब बस बड़ी बच्ची को बच्चा होना कानून जुर्म है, तो वही जुर्म है, दुनिया भी जुर्म भी है, कानून है तो भी लेके नहीं चलेंगे, वो बच्ची मर जाती है, बेटियाँ सबकी बिगड़ जाती है, मर जाती है, बच्चे भी परिवार को नहीं चला पाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत हो जाते हैं, अच्छा सब अपने अपने कभी छोड़ा छोड़ और बहुत सारा हमारा देहात गाँव नहीं होता, वो सब भी होने लगता है, लोग मजबूर हो जाते हैं कि बच्चे की सेहत खराब हो जाती है, बच्ची की जब सेहत खराब होती है तो लड़का क्या करता है, लड़की का बाप क्या करते हैं कि बच्ची जब उस लायक नहीं होती है तो उसको अपने मईके जाके बैठा दिया जाता है, जब मईके वाले लोग उस बच्चे का लोड ले लेते हैं जिंदगी भर, कम से कम 2-4-5 साल और लोड ले लेकिन शादी न करें, 5 साल का लोड ले लें जिंदगी भर का लोड नहीं है, ये जागरूकता लाना पड़ेगा, आखिर आखिर हर साल की बेटी को कुछ होता नहीं है, रख तो लेता है, लेकिन अगर मैच्योर हो जाए, मैच्योर के बाद शादी करे, वो अपनी जिंदगी के बारे में समझने पड़े, अपने शरीर के बारे में समझने की शक्ति हो जाए तब उसकी शादी की जाए, तो मेरा एक मानना है कि लोगों को जागरूक वार्ड वाइज करना पड़ेगा, वार्ड वाइज हर काम करें, वार्ड वाइज इसकी चर्चा करें, पंचायत वाइज करना पड़ेगा और काम में जैसे वो मैंने ईमानदारी दिखाई, हम सारे लड़े
गलती ना करें, वो मुखिया जी अगर भागे तो उनके चार बार जाएगी, उनको नहीं छोड़िए। समिति साहब भागे तो उनके पास चार बार जाएगी, मेंबर साहब भागे तो चार बार जाएगी, लेकिन उनको छोड़िए, सोने में दिए, चैन से नहीं छोड़ते। एक बार जरूर मुखिया जी मिले, एक बार मिले तो जरूर आपका थोड़ा ना थोड़ा सहयोग करें। जब सहयोग करें तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि काम पड़ेगा। आइए, हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत बहुत आगे जाएगा, भाजपा रुकेगा। आप बहुत सारे लोग जागरूक हो भी चुके हैं अपने यहाँ, अभी बहुत ज्यादा हमको नहीं लगता है आप लोग का जो काम चल रहा है कि वो बहुत ज्यादा अभी भाजपा अब कम है, बहुत ज्यादा कम है, बहुत पहले के ही बाकी है। चला हम बचपन में स्कूल में तीसरा चौथा में पढ़ता था तो मम्मी के पास एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा था और तीसरे चौथा से उस वक्त हमको याद है, उसको सीखा था कि बच्ची को बच्चा होना कानूनन शुरू है और वो मुझे आज भी याद है। आज आपका कार्यक्रम देख के आज समझ में आए कि बोर्ड में क्या लिखा था, इसी के लिए लिखा था बाद क्या है, आज मुझे पूरा अच्छे से समझ में आया और ये कब से चला जा रहा हूँ, इसको ताजा कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग चला के गए, कहाँ गए, दुनिया से भी बहुत सारे लोग चले गए। अब हम लोग लगता है कि आज जो दीप हम जलाया है ये उज्ज्वल दीप ये उज्ज्वल करेगा हमारे पूरे देश को, हमारे राज्य को, हमारे जिला को, हमारे पंचायत को, हमारे वार्ड को। धन्यवाद।